मौसम विभाग ने चारधाम यात्रा मार्ग के पर्वतीय जिलों में शुक्रवार के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बारिश का येलो अलर्ट जारी करते हुए चारधाम यात्रा में आ रहे लोगों से विशेषकर सतर्कता बरतने की अपील की है। विक्रम सिंह ने बताया कि शुक्रवार को कुछ जगह ओलावृष्टि के साथ ही तेज बौछारें पड़ सकती हैं, इससे गदेरों में अचानक पानी बढ़ सकता है, इसमें सतर्कता बरतने की जरूरत है। यात्रा में जा रहे हैं या आवागमन कर रहे हैं पहाड़ों में, तो वो ध्यान रखें कि जिस समय थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी चल रही है तो उस समय थोड़ा इंतज़ार करें कहीं सेफ जगह पे, जब ख़त्म होती है तो आगे बढ़ें। साथ ही जो गाड़ गदेरे हैं या बरसाती नाले हैं उसके आसपास खड़े ना हों, क्योंकि आपको नहीं पता जो थंडरस्टॉर्म है, तेज़ बारिश है, कहीं आगे दूर में हो रही हों और उसकी वजह से एकदम जो है जो बरसाती नाले हैं या गाड़ गदेरे हैं उसमें पानी बढ़ सकता है और आप चपेट में फिर आ सकते हैं। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है, बाकी कोई इसमें जो है प्रिकॉशन है यही है कि जिस समय एक्टिविटी चल रही है आप सेफ जगह पे इंतज़ार करें और जब ख़त्म हो जाती है तो आगे बढ़ा जा सकता है। आज के लिए बात करें तो आज भी जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट है या कुमाऊं के डिस्ट्रिक्ट है हिल्स के, तो उनमें हमने हल्की से मध्यम बारिश आज भी रखी हुई है। और इसके साथ साथ जो अगर वार्निंग की बात करें तो येलो में हमने रखा है कि भाई जो थंडरस्टॉर्म है उसमें इंटेंस शावर है, इस तरह की जो एक्टिविटी है वो देखने को मिल सकती है, खासकर कुमाऊं रीजन के जो हमारे हिल्स के डिस्ट्रिक्ट है। कल भी करीब स्थिति इसी तरह रहेगी, लेकिन परसों चौथे में जो है जो बारिश की एक्टिविटी अगर 24-25 में देखें तो कम हो रही है, छुटपुट बारिश अंदर के डिस्ट्रिक्ट में हल्की मिल सकती है या फिर इक्का दुक्का जगहों में और भी हाई रीचेज में वो मिलेंगी।